हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। तो आज हम लोग जानेंगे कि 2020 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में कौन कौन से चैप्टर से 3 मार्क्स में क्वेश्चंस रहेंगे और कौन से टॉपिक्स पर क्वेश्चंस रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 3 मार्क्स में जो है टोटल 10 क्वेश्चंस हम लोग के एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा और इस तरह से टोटल 30 नंबर के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 3 मार्क्स में से ही पूछे जाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे चैप्टर वाइज सारे जो 3 मार्क्स के टॉपिक्स हैं और क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग का है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो यहाँ से 3 मार्क्स में हम लोग के एक क्वेश्चंस फिक्स्ड पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से आएगा, तो यहाँ पर मैंने टॉपिक्स भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में एक क्वेश्चन हम लोग का 100% फिक्स रहता ही है और साथ ही ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कभी कभी क्वेश्चन दिया भी जाता है तो कभी नहीं भी दिया जाता है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से अगर आप क्वेश्चन को नहीं भी करते हैं तो वो चलेगा, लेकिन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को आप लोग अच्छे से ज़रूर देख ले। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेसिस एंड साल्स। तो एसिड बेसिस एंड साल्स से 3 मार्क्स में 2 या फिर 3 क्वेश्चन यहाँ से 100% फिक्स रहता है। 2 क्वेश्चन तो एकदम 100% फिक्स है और कभी कभी तीसरा क्वेश्चन भी दे दिया जाता है। और जो टॉपिक्स है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन या फिर उसका यूजेज, ब्लीचिंग पाउडर का यूजेज प्रिपरेशन, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इन सब का आप लोग को प्रिपरेशन और जो है उसका यूजेज को आप लोग को याद कर लेना है ताकि जो है आप अपने एग्जाम में इसके आंसर्स को लिख सको, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन हम लोग का फिक्स रहता ही है। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, यहाँ से भी क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में रहेंगे और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस एंड साल से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आते हैं जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन जो होते हैं कभी कभी पूछे भी जाते हैं और कभी नहीं भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो होता है यहाँ से फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन अगर आ जाए मेटल्स और नॉन मेटल्स से 3 मार्क्स में तो यहाँ पर हम लोग का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। तो कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन से हम लोग अपने पिछले वीडियो में देखा हुआ था कि 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन यहाँ से हम लोग का फिक्स रहता है, यानी कि जो हम लोग का कोरोजन और प्रिवेंशन चैप्टर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक 3 मार्क्स के लिए हम लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप टॉपिक्स को देख ले, टॉपिक्स वाइज जो होंगे आप इसके आंसर्स को याद कर ले। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर जो हम लोग का आता है वो है कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स में हम लोग का एक क्वेश्चन जो होता है 3 मार्क्स में फिक्स्ड पूछा ही जाता है और जो टॉपिक हम लोग का हुआ है कार्बन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, कार्बन और उसके प्रॉपर्टीज़ को आप लोग को देख लेना अच्छे से। होमोलोगस सीरीज और IUPAC नेम से भी एक क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है कार्बन कंपाउंड, सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट से भी हम लोग के एग्जाम में 100% होता है जो एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है। पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जा भी सकता है और नहीं भी, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स्ड नहीं रहते हैं। और टॉपिक हम लोग का है अगर पूछा जाए तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन में नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डोबिनियस ट्रेट्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलिस पीरियडिक टेबल। तो इन सब टॉपिक को आप लोग अच्छे से जरूर देख लें। इसके बाद और भी हम लोग का मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स, ग्रेजुएशन इन प्रॉपर वैलेंसी एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का चैप्टर है। इसमें हम लोग के 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन जो होते हैं वो फिक्स्ड पूछे जाते हैं। टॉपिक्स हम लोग का है सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन और रिस्पायरेशन। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन जो होता है पूछा जा भी सकता है और नहीं भी, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स्ड नहीं होते हैं। टॉपिक्स हम लोग का है इसमें ट्रॉफिक मूवमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कि बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 मार्क्स में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स्ड पूछे जाते हैं, 1 तो फिक्स्ड है और कभी कभी यहाँ से दूसरा क्वेश्चन भी जो होता है वो दे दिया जाता है। टॉपिक्स हम लोग का है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। और यहाँ से एक डायग्राम भी हम लोग के एग्जाम में
आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के जितने भी डायग्राम है, आप इसके डायग्राम को जरूर देख ले। ऐसे मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप उनके डायग्राम्स को देख ले। सारे क्वेश्चन जो होंगे, जितने भी डायग्राम्स हैं, उतने डायग्राम्स का अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो उससे आउट आप लोग के डायग्राम एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आता है हीरेडिटी एंड इवोल्यूशन। तो यहाँ से 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन दिया भी जा सकता है और नहीं भी, क्वेश्चन फिक्स्ड यहाँ पे नहीं होता है। और टॉपिक्स हम लोग का है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन, हीरेडिटी एंड मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का ये हम लोग का, और इसमें 3 मार्क्स में 1 से 3 क्वेश्चन तक हम लोग का एग्जाम में जरूर रहता है। तो इस चैप्टर को आप लोग को जरूर अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 3 मार्क्स में हम लोग के एग्जाम में रहते हैं। क्वेश्चन और करके भी रहता है, तो ऑप्शनल रहता है, तो उसकी चिंता आप लोग को नहीं करनी है। इसके बाद टॉपिक हम लोग का इसमें है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्म बाई ए स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्रैक्शन, लेंस एंड पावर ऑफ लेंस। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आता है जो कि है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में फिक्स्ड रहते हैं। ह्यूमन आई में हम लोग इसके स्ट्रक्चर, फंक्शंस, आई डिफेक्ट्स और इसके करेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सब सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी। यह भी चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन यहाँ से भी फिक्स्ड पूछा जाता है, और इसमें जो टॉपिक्स है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सारे टॉपिक्स को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आप लोग को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का आता है जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जा भी सकता है और नहीं भी, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स्ड नहीं रहते हैं। और अगर पूछा गया तो टॉपिक्स हम लोग का है इलेक्ट्रिक सर्किट, डीसी एंड एसी करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन कभी पूछा जाता भी है और नहीं भी, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये नहीं है, यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग अगर थोड़ा सा कम ध्यान दें तो भी चलेगा, बट अब चैप्टर है तो हमें तो पढ़ना ही है। तो आप इसके क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देख लें। इसमें जो टॉपिक्स है वह है अल्टरनेटिव और नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है आवर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से हम लोग में एक क्वेश्चन फिक्स्ड पूछा जाता है, टॉपिक्स हम लोग का है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है जो कि सबसे लास्ट है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ से भी 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन फिक्स्ड नहीं रहते हैं, कभी पूछा जाता है तो कभी नहीं भी पूछा जाता है। टॉपिक्स हम लोग का है वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग और फॉसिल फ्यूल्स। तो ये सब सारे टॉपिक्स हो गए चैप्टर वाइज, और साथ ही कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएंगे, सब सारे मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है। और इसके अनुसार जो है आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, ताकि आप अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सको। 5 मार्क्स के लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के भी कुछ इसी तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।